हेलो, मैं अरूप चौधरी सोरेविन में आया था। मैं मिस्टर विनोद साउंत और उनकी मिसेस सुरेखा के पास फिंगर एनालिसिस, DMIT बोलते हैं उसको। तो ये एक्चुअली स्टडीज़ क्या है कि एक कोई भी एक इंसान का, मेल और फीमेल, जितने कैरेक्टर्स होना चाहिए, ये सारे कैरेक्टर्स एंड क्वालिटीज़ को लेके आपको लाइफ का एक प्रॉपर डायरेक्शन देगा। मतलब ये वो, अगर मान लीजिए पांच क्वालिटीज़, पांच कैरेक्टर्स या छह कैरेक्टर्स, व्हाट एवर इट मे बी, तो सारे कैरेक्टर्स, सारे क्वालिटीज़ को लेके ये एनालिसिस करता है। और ये आप क्या क्या क्वालिटीज़, क्या क्या कैरेक्टर्स लेके आप जन्म लिया है, तो सारे चीज़ अगर आपको पता चल गया कि आप किस फील्ड में ज़्यादा स्ट्रांग हो, तो आपको उसी फील्ड को ही पकड़ना चाहिए। और किस फील्ड में आप वीक हो, तो उस फील्ड को अवॉइड करना है। और आपका करेक्टर में वीक पॉइंट क्या है, वो भी जानना ज़रूरी है। तो आप अगर ये जान लिया कि आपका स्ट्रांग फील्ड कौन सा है और वीक फील्ड कौन सा है, तो ये बहुत बड़ा एक नॉलेज अबाउट लाइफ आपको मिल गया। तो इसके बाद क्या है, आपका लाइफ को एक प्रॉपर डायरेक्शन मिल जाता है। तो इस फिंगरप्रिंट्स स्टडीज में कोई भी आ सकता है, बट मुझे लगता है कि यंग स्टेज में आने से ज़्यादा यूज़फुल है, बट मिडिल स्टेज में, ओल्ड स्टेज में भी कोई आ सकता है, क्योंकि ओल्ड स्टेज में या मिडिल स्टेज में भी लाइफ ख़त्म नहीं होता है, आगे लाइफ रह जाता है। मान लीजिए बहुत लोग सोचते हैं कि ओल्ड स्टेज में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ओल्ड स्टेज में आके मैं अपना ज़िंदगी के बारे में जान के क्या फ़ायदा। लेकिन ओल्ड स्टेज, मिडिल स्टेज में तो आना ही चाहिए, ओल्ड स्टेज में भी कोई आ सकता है, क्योंकि उसका लाइफ में और क्या क्या बचा हुआ है और क्या क्या फील्ड्स जो स्ट्रांग था उन्होंने यूटिलाइज नहीं किया, अनयूटिलाइज रह गया। तो अगर वो उन फील्ड्स, जैसे कि मान लीजिए किसी का म्यूजिक लाइन या पेंटिंग लाइन में उसका स्ट्रांग स्ट्रेंथ दिखा रहा है, बट म्यूजिक लाइन में वो गया था लेकिन थोड़ा थोड़ा उतना इन्वॉल्व नहीं हुआ, या पेंटिंग जो लाइन है उसमें स्ट्रेंथ दिखा रहा है अच्छा है, तो पेंटिंग में भी वो लाइफ लॉन्ग थोड़ा थोड़ा सा किया, बट अभी मान लीजिए उनका लाइफ और भी रह गया है, मतलब मान लीजिए कोई मिडिल स्टेज में या लेटर मिडिल स्टेज और ओल्ड स्टेज में आया है, तो उनका लाइफ और भी 10 साल रह गया। तो वो 10 साल में भी अगर वो सब फील्ड्स को एंटरटेन करे, वो सब फील्ड्स में अगर वो इन्वॉल्व हो जाए, तो उसको बेहतरीन ज़िंदगी मिलेगा। ओल्ड स्टेज में आके भी वो, मान लीजिए किसी का पेंटिंग क्वालिटी है, पेंट करने का अच्छा, एक अच्छा पेंटर बनने का क्वालिटी है, तो वो मान लीजिए उनका जीवन में अब 10 साल रह गया, तो उस 10 साल में वो पेंटिंग लेके बैठ जाएगा, या म्यूजिक लाइन में उसका स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो वो म्यूजिक में ज़्यादा इन्वॉल्व होके जो बाकी ज़िंदगी का जो 10 साल रह गया, वो 10 साल में और लाइफ को एंजॉय कर सकता है। तो ये हर तरह से बेनिफिशियल्स है, ये जो फिंगर स्टडीज DMIT बोलते हैं, एंड विनोद साउंत एंड मिस सुरेखा, उनकी वाइफ, दोनों मिलके इस फील्ड को स्टडी करवाते हैं लोगों को, एंड एवरीबडी गेट्स सेटिस्फेक्शन, एंड इट इज़ वेरी यूजफुल स्टडीज फॉर एवरीबडीज लाइफ। थैंक्स, इतना ही बोलना था मुझे।